इसी बीच बड़ी जानकारी आपको देते, राजस्थान में राज्यसभा की एक सीट के लिए उपचुनाव, भाजपा प्रत्याशी रवनीत बिट्टू का नामांकन, बिट्टू की अलग अलग चार सेट तैयार करवाए गए हैं, मुख्यमंत्री बजूलाल शर्मा प्रस्तावक है और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी विधानसभा में मौजूद है। तो वहीं डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, मंत्री झाबर सिंह खर्रा, संजय शर्मा, जवाहर सिंह बेदम, विधायक गोपाल शर्मा, ओकार सिंह लखावत, राजेंद्र सिंह शेखावत विधानसभा में मौजूद। आपको बता दें कि निर्दलीय विधायक भी प्रस्तावक है और ऐसे में कौन कौन वहां पर मौजूद है वो हम आपको लगातार बता रही है। चुनाव अधिकारी के यहाँ पर पहुंचे बिट्टू और देखिए चार अलग अलग सेट यहाँ पे तैयार करवा दिए गए हैं और किस तरह से उनके राजनीतिक सफर रहा वो भी हम आपको बता रही हैं। कहा जाता है कि रवनीत सिंह बिट्टू को राजनीति उनको विरासत में मिली है। लुधियाना से तीन बार वो सांसद भी चुने गए हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें जरा देखिए आप। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नजर आ रही है, ये नामांकन की तस्वीरें जिसके अंदर देखिए दोनों डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा नजर आ रही हैं। रवनीत सिंह बिट्टू के ये नामांकन की बेहद खास तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया न्यूज की टेलीविजन स्क्रीन पर। बड़ी जानकारी आपको देते साथ में ये भी बता रहे हैं कि कौन कौन मौजूद और किस तरह से तस्वीरों में आपको मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नजर आ रही होंगे, दोनों डिप्टी सीएम नजर आ रही हैं, चेहरे पर मुस्कान क्योंकि निर्विरोध ये चुनाव होगा। अधिक जानकारी लेंगे हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी बने हुए। योगेश जी देखिए अगर बात करें रवनीत सिंह बिट्टू की उनके नामांकन की तो तमाम जो चेहरे हैं वो हम देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम, जानकारी जरा आपसे लेना चाहेंगे उनके नामांकन को लेकर। देखिए जिसका इंतजार था वो अब कम्प्लीट हो चुका है, रवनीत सिंह बिट्टू ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, दोनों मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगेश्वर गर्ग, जोगाराम पटेल और ये तमाम लीडर साथ में आप देख सकते हैं तस्वीर के जरिए, ये तमाम चेहरे जो थे उस थे और नामांकन केवल उनकी मौजूदगी यहाँ पर रही। तो ये रवनीत सिंह बिट्टू ने नामांकन दाखिल किया है और ये अपने आप में बहुत ही अहम बात है, बहुत अहम घटनाक्रम है रवनीत सिंह बिट्टू का नामांकन दाखिल करने का। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, मुस्कुराते चेहरे, मुस्कुराहट के पीछे तो एक ही बात होती है कि बिना किसी जंग लड़े अगर कोई जंग जीत ली जाती है तो इस तरह की मुस्कुराहट सामने आती है। तो यहाँ का जो चुनाव था राजस्थान की राज्यसभा की एक सीट के लिए, वो बिना किसी जंग के भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा और निर्विरोध निर्वाचन का रवनीत सिंह बिट्टू का रास्ता साफ हो गया। औपचारिक घोषणा उनके निर्वाचन की कुछ देर बाद हो जाएगी लेकिन और सर्टिफिकेट मिलने की प्रक्रिया जो होती है वो भी होगी, लेकिन यहाँ पर रवनीत सिंह बिट्टू अब राजस्थान से राज्यसभा के सांसद कहलाएंगे। इससे पहले वो पंजाब से लोकसभा के सांसद थे, उस समय उनकी पार्टी भी दूसरी थी, अब उनकी पार्टी भी बदल गई तो उनका राज्य भी बदल गया। ये भी एक संयोग है कि पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो गई है और राज्य भी अब उनका राजस्थान हो गया जहाँ से वो रिप्रेजेंट करेंगे और संसद के अपर हाउस में वो बैठा करेंगे और केंद्रीय मंत्री के नाते भी उनकी भूमिका रहेगी। राजस्थान को क्या मदद उनके जरिए हो सकती है अब इस पर फोकस रहेगा कि राजस्थान के विकास में बतौर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू क्या योगदान दे सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब राजस्थान से रवनीत सिंह बिट्टू के आने के बाद, उनके निर्वाचन का रास्ता साफ होने के बाद, राजस्थान के कोटे से मंत्रिमंडल में मोदी मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या भी बढ़ गई है। अब अगर हम बात करें तो भूपेंद्र यादव जो अलवर से सांसद है वो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री है, करण सिंह शेखावत जो जोधपुर से सांसद है वो भी केंद्र में पर्यटन के कैबिनेट मंत्री है और बीकानेर के सांसद अर्जुन राम मेघवाल वो लॉ मिनिस्टर है केंद्र में, केंद्रीय कानून मंत्री के तौर पर है। भागीरथ चौधरी जो अजमेर के सांसद है वो भी केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री है और अब रवनीत सिंह बिट्टू केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री के तौर पर कहा जा सकता है। कुनुबा बढ़ गया राजस्थान कोटे के मोदी सरकार के अंदर मंत्रिमंडल के सदस्यों के अंदर, तो ये एक अच्छी बात है। और राजस्थान में जिस तरह भजनलाल शर्मा की सरकार एक नई सोच नई विजन को लेकर चल रही है, उस सोच को सार्थक करने में कितनी भूमिका रवनीत सिंह बिट्टू निभाएंगे ये उनके कार्यकाल से पता चलेगा।
राजस्थान में उनका किस तरह का कार्यकाल रहेगा, किस तरह से राजस्थान को उस नजरिए से वो देखते हैं। अब तक उन्होंने पंजाब की राजनीति की है, राजस्थान के बारे में उनकी नॉलेज उतनी से जितना उन्होंने अपने मित्रों साथियों और राजस्थान की कांग्रेस के नेताओं से सुना होगा। भारतीय जनता पार्टी में उनकी पहली बार एंट्री हुई है, राजस्थान की बीजेपी में तो वो शायद ही किसी को जानते होंगे, एक आध चेहरों को छोड़ देता हूँ। ऐसे में अब उन चेहरों से भी उनकी आज मुलाकात हुई, बीजेपी विधायक दल के सदस्यों से आज वो आपक्ष लॉबी में मिले थे। और एक कहा जा सकता है कि बड़ा गर्व महसूस भी अवनीत सिंह बिट्टू को हो रहा, जैसा कि बातचीत में उन्होंने बताया था विधायक दल के और साथियों से, मुख्यमंत्री से भी और बीजेपी के नेताओं से, कि गर्व का अनुभव है कि राजस्थान की धरती जो त्याग शौर्य और बलिदान की धरती है, राजस्थान की वो धरती जहाँ पर अपने आप में एक अमिट छाप यहाँ की धरती की रही है, और राजस्थान के नेताओं का, राजस्थान की राजनीति शख्सियतों का भी एक लंबा और गौरवशाली इतिहास रहा है, तो उस नजरिए से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये अपने आप में एक बड़ा पल है अवनीत सिंह बिट्टू के लिए कि वो अब लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं और अब राजस्थान से राज्यसभा के सांसद भी हो जाएंगे, तो अपने आप में गौरव मूड पड़ने जो अपने आप में बहुत ही अहम रहने वाला। जी योगेश जी, देखिए पार्टी बदलना और स्टेट बदलना, और राजस्थान भाजपा की बात करें तो नए नए चेहरे उनको नजर आ रहे होंगे, क्या चैलेंजिंग उनके लिए है ये? देखिए चैलेंजिंग तो इतना खास इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो राजस्थान से, उनका ताल्लुक राजस्थान से बतौर राज्यसभा सांसद होगा, उनके लिए चैलेंजिंग है पंजाब के अंदर बीजेपी की जड़ों को जमाना। जो भरोसा मोदी जी ने उन पर जताया है, जो भरोसा अमित शाह और जेपी नड्डा ने जताया है, उस भरोसे पर खरा उतरना और पंजाब जहाँ एक तरह से खस्ता हाल संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, या यूँ कहें वहाँ संगठन जो रहा है वो अकाली दल के भरोसे रहा है, अब बीजेपी वहाँ खुद अपना संगठन खड़ा करना चाहती है और अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी वहाँ खुद के दम पर चुनावी समर में उतरना चाहती है, तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था जी। बिल्कुल, तो देखिए जिस तरह से आज नामांकन दाखिल हुआ और कौन कौन वहां पर मौजूद रहा वो हमने देखा। बहुत शुक्रिया योगेश जी, आपने जानकारी साझा करें इस पूरी खबर को लेकर। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस वक्त की जब ये नामांकन दाखिल हुआ और अवनीत सिंह बिट्टू के साथ भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नजर आए, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, दोनों डिप्टी सीएम यहां पर नजर आए। तो बेहद खास तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, 2007 में उन्होंने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी, या यूं कहें कि 2007 ये वो साल रहा जब अवनीत सिंह बिट्टू ने राजनीति में कदम रखा, कुछ इस तरह से उनकी एंट्री हुई। इसके अलावा देखिए कहा जाता है कि अवनीत सिंह बिट्टू को राजनीति उनको विरासत में मिली है, 3 बार सांसद चुने गए, मोदी सरकार 3.0 में वो मंत्री है और अब राजस्थान से उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। राजस्थान से राज्यसभा सीट के लिए नामांकन उन्होंने भरा, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो देखिए रवनीत सिंह बिट्टू ने नामांकन के लिए 4 सेट यहां पे दाखिल किए, 5 प्रस्तावक और 5 अनुमोदक होते हैं एक सेट के अंदर। सीएम भजनलाल शर्मा ने रवनीत सिंह बिट्टू के वो प्रस्तावक रही, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद वैरवा भी उनके साथ में मौजूद रही, दिया कुमारी मौजूद रही। तो राजस्थान में राज्यसभा की एक सीट के लिए उपचुनाव और ऐसे में नामांकन आज दाखिल किया, भाजपा प्रत्याशी रवनीत सिंह बिट्टू ने नामांकन दाखिल किया। ₹2009, ₹2014 और ₹2019 में वो सांसद चुने गए, 2007 के अंदर राजनीति में कदम रखा और कहा जाता है कि उनको राजनीति विरासत में मिली है, मोदी सरकार 3.0 में मंत्री हैं रवनीत सिंह बिट्टू।